क्या आप जानते हैं कि खुद का घर खरीदना किराए के घर में रहने से ज्यादा फायदेमंद है? पर अब आप सोचेंगे कैसे? प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत आप अपने होम लोन पर आवश्यक इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में एप्लीकेंट्स की परिवार की सालाना आमदनी के आधार पर उन्हें कुछ वर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर आपके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो आप आते हैं EWS वर्ग में। अगर वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आप आते हैं LIG वर्ग में। यदि वो 6 लाख से 12 लाख के रुपए तक की है तो आप आते हैं MIG 1 वर्ग में, और अगर वो 12 से 18 लाख रुपए तक है तो आप आते हैं MIG 2 वर्ग में। EWS और LIG वर्ग के माध्यम से आप सालाना 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपके लोन रकम के पहले 6 लाख रुपए पर, जिससे आप 2.67 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी पा सकते हैं। MIG 1 वर्ग के माध्यम से आप सालाना 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपके लोन के पहले 9 लाख की रकम पर, जिससे आप 2.35 लाख रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। पर ध्यान दें, घर का कार्पेट एरिया ज्यादा से ज्यादा 968 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए। MIG 2 वर्ग के माध्यम से आप सालाना 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपके लोन के पहले 12 लाख की रकम पर, जिससे आप 2.30 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी पा सकते हैं। पर ध्यान दें, घर का कार्पेट एरिया ज्यादा से ज्यादा 1184 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए। चलिए अब इस स्कीम की कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। घर की कीमत और लोन की रकम पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप EWS या LIG वर्ग में हैं और घर खरीद रहे हैं तो किसी महिला का ओनर या को ओनर होना अनिवार्य है। अगर आप EWS या LIG वर्ग में हैं और होम लोन घर के रेनोवेशन या एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आपके घर का कार्पेट एरिया ज्यादा से ज्यादा 323 स्क्वायर फीट या 645 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए। ये स्कीम परिवार में पहली बार घर खरीद या बनवाने के लिए ही एप्लीकेबल है। परिवार का मतलब है पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। MIG 1 और 2 के वर्गों में अविवाहित बच्चे अगर कमाई करते हैं तो उनको एक अलग परिवार माना जाएगा। और एक खास बात, प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी उपलब्ध है सिर्फ पक्के घरों में और अर्बन जगहों पे ही। ये जानने के लिए कि आपका घर इस वर्ग में आता है या नहीं, आप लॉग ऑन करें www.pmaymis.gov.in पर। अब आप सोचेंगे कि आप ये सब्सिडी कैसे क्लेम कर सकते हैं। इंडियाबुल्स होम लोन से लोन लेने के बाद आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को देना होगा एक डिक्लेरेशन और कुछ कागजात। इंडियाबुल्स होम लोन्स आपके पक्ष पर ये कागजात नेशनल हाउसिंग बैंक या NHB को देंगे, जो 45 से 60 दिनों के अंतर्गत आपका क्लेम प्रोसेस करेंगे। अब आप पूछेंगे कि आपको अपना क्लेम कैसे मिलेगा। आपका ये क्लेम आएगा सीधा इंडियाबुल्स होम लोन्स के पास, और हम ये रकम आपके लोन के प्रिंसिपल रकम के सामने एडजस्ट कर देंगे, जिसे आप या तो अपना लोन का टेन्योर या EMI की रकम कम करा सकते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि आपको ये क्लेम एक बारी में ही मिलेगा या टुकड़ों में। जवाब है कि आपको ये क्लेम मिलेगा आपके लोन के डिसबर्सल के हिसाब से। अगर आप अपना लोन पूरा डिसबर्स करवाते हैं तो आप अपनी सब्सिडी का क्लेम भी एक साथ ही कर सकते हैं, और यदि आप पार्ट डिसबर्समेंट लेते हैं तो आप सब्सिडी का लाभ भी टुकड़ों में ही उठा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर ये बात समझते हैं। मान लीजिए शर्मा जी की पारिवारिक सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है और वो अपना पहला घर लेने की सोच रहे हैं, जो कि है 30 लाख का। इसके लिए वो 24 लाख का होम लोन लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि शर्मा जी की आमदनी 15 लाख रुपए है, वो आते हैं MIG 2 वर्ग में, जिसका मतलब है कि उन्हें मिल सकती है 3% की सब्सिडी। इस सब्सिडी के माध्यम से उन्हें मिलेगा 2.30 लाख तक का क्लेम, जिससे उनकी लोन की रकम हो जाती है सिर्फ 21,69,000 रुपए। ये मानते हुए कि शर्मा जी सालाना 4 लाख तक के टैक्स बेनिफिट्स उठाते हैं अपने होम लोन पर, तो उन्होंने EMIs के द्वारा लोन खत्म होने तक भरे होंगे सिर्फ 24,45,000 रुपए, यानी उन्होंने सिर्फ 45,000 रुपए भरे हैं अपने लोन के इंटरेस्ट के तौर पर, यानी उनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है बस 0.30%। तो हुआ ना घर खरीदना घर रेंट करने से ज्यादा फायदेमंद।
तो अब देर किस बात की, आज ही अप्लाई करें इंडिया बुल्स होम लोन्स में और कदम बढ़ाएं आपके खुद के पहले घर की तरफ। लॉग ऑन करें www.indiabullshomeloans.com पर और अभी शुरू करें अपना ई होम लोन प्रोसेस। अगर आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें तुरंत कॉल करें 1800-200-7777 पर। धन्यवाद।